साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी मेरे पास ऐसे ईमेल बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं कि शेयर मार्केट टूट गया है और ऐसे समय में हमें आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो आप कृपया लाइव आकर के हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए। तो लाइव आने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि लाइव मैं कल नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं बता देता हूं कि मैं 2005 से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूं और इसमें पता नहीं कितनी बार मार्केट टूटा और कितनी बार वापस ऊपर बढ़ गया। तो जब मार्केट ऊपर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसमें उसका गिरना, उसमें करेक्शन का आना, टूटना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और यदि मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा तो हम जब नए शेयर लेंगे तो वो सस्ते किस प्रकार से मिलेंगे? तो इसलिए मार्केट आगे और टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस तरह के ईमेल ज्यादा आ रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट दीजिए कि क्या करें, मार्केट में अभी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मार्केट आगे और गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल मेरे खुद के लिए अपने लिए जो मेथड बना रखा है वो मैंने आपसे एक वीडियो के माध्यम से शेयर भी किया है। वो है शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन। इसमें एक बहुत सिंपल सा मैंने वीडियो भी बना के डाला है, आपको वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे तो मैं सीधा बता देता हूँ। निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस होता है, उस क्लोजिंग प्राइस में उसके 124 दिन की डीएमए का जब भाग देते हैं, निफ्टी की 124 दिन की डीएमए का उसके क्लोजिंग प्राइस में जब भाग देते हैं, तो मैंने वो खुद के लिए बना रखा है। वो मैं उसको शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन कहता हूँ। तो ये रेशो जब 1.12 से ऊपर हो जाता है तब मैं ये मानता हूँ कि मार्केट बहुत अधिक उच्च स्तरों पर आ चुका है। और अब मैं अपने पास जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह की होल्डिंग पड़ी है या जो भी शेयर अच्छे प्रॉफिट में पड़े हैं, लंबे समय से हमने होल्ड कर रखे हैं, उनको बेच के एक बार निकल जाने का समय है। और जब ये रेशो 0.96 से नीचे आ जाता है तब मैं मानता हूँ कि नई खरीदारी बड़ी मात्रा में, यदि हम म्यूचुअल फंड यूनिट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसके लिए उचित समय है। तो अभी ये रेशो 1.01 पर है, अभी ये रेशो 1.01 पर है। लेकिन इसमें ये बात भी है कि जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तब ये 1.12 से ऊपर भी नहीं गया था, इसलिए अब दोनों सी स्थिति हो गई है कि मार्केट बहुत अधिक ऊपर जाके भी नहीं टूटा है, इसमें और अभी बढ़ने के चांस भी थे, और अभी ये 1.01 पे आ गया है, इसलिए इसके 0.96 तक गिरने के चांस भी अभी हो गए हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के नीचे आपको मेरे उस पिछले वीडियो का लिंक उपलब्ध करा रहा हूँ जिसमें मैंने ये आपको शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन निकालना सिखाया था। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि लगभग मई 2017 में मैंने ये वीडियो अपलोड किया था शेयर जीनियस रेशो वाला। तो उस समय जो सभी लोग उस समय भी ये मानते थे कि निफ्टी बहुत अधिक ऊपर आ गया है, 9,900 हो गया, 9,800 हो गया, अब इससे ऊपर ये बढ़ने वाला नहीं है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, निफ्टी 10,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन उस समय भी ये रेशो 1.12 से कम था और मैंने कहा था कि अभी ये शायद इसके बढ़ने की संभावना है। लेकिन मार्केट साल में एक बार दो बार अवश्य गिरता है और ये निफ्टी का जो ये शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन है ये 1 से कम हो जाता है, 0.96 के आसपास हो जाता है, तब हम इसमें नई खरीदारी हमें अच्छे भाव पे करने का मौका मार्केट हमें देता है। दूसरा प्रश्न मेरे पास ये आता है कि नीरव मोदी जी पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए हैं, तो अब बैंकों का क्या होगा? अब बैंकों के शेयरों में हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बैंकों में एनपीए की हालत वैसे भी बहुत खराब है। हमारे पिंडवाड़ा कस्बे में भी एक बिनानी इंडस्ट्री है, उसने भी बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ी मात्रा में लोन लिया हुआ था, उसके खिलाफ भी बैंकरप्सी की कार्रवाई शुरू कर दी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों, उद्योगपतियों ने के खिलाफ बैंकरप्सी की कार्रवाइयां बैंकों ने शुरू कर दी है। मैंने मेरे पिछली लाइव स्ट्रीमिंग में जो प्रतिभा इंडस्ट्री का उदाहरण दिया था कि प्रतिभा इंडस्ट्री उसकी 200 डीएमए से जब वापस ऊपर बंद हुई तो मैंने उसमें जो रिवर्स ट्रेडिंग की हुई थी उसके शेयर वापस परचेज कर लिए। तो आप जब प्रतिभा इंडस्ट्री की शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले प्रतिभा इंडस्ट्री बहुत अधिक हाई डेप्ट कंपनी थी, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बैंकों की शेयर होल्डिंग नहीं थी। लेकिन अभी आप वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर ज्यादातर बैंकों ने बड़ी मात्रा में शेयर होल्डिंग ले ली है। इसका अर्थ यह है प्रतिभा इंडस्ट्री के लोन के अगेंस्ट जो शेयर बैंकों के पास गिरवी रखे थे वो प्रतिभा इंडस्ट्री ने बैंकों को अपना शेयर होल्डर शायद बढ़ा दिया है, इस वजह से डेप्ट कम हो गया है और अब बैंक उनके शेयर होल्डर हो गए हैं। तो इस प्रकार बैंक अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि वो कंपनियों के जो शेयर गिरवी रखे उनके बदले में कंपनियों से ऐसी वार्ता करके उनकी शेयर होल्डिंग्स प्राप्त कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये साइकिल विपरीत चला जाएगा, जब गिरने का साइकिल आता है तो वापस बढ़ने का साइकिल भी आता है। लेकिन मार्केट में जब न्यूज बाहर आती है, जैसे
नीरव मोदी की जब न्यूज बार आई थी उससे पहले ही बैंकों के शेयर 200 डीएमए से नीचे बंद हो गए थे और 200 डीएमए से नीचे जाके काफी गिर गए थे। तो जब न्यूज बार आती है उससे पहले ही बड़े निवेशकों को पता होता है और वो बेच के बाहर निकल जाते हैं। तो अभी ये बैंकों के शेयरों की हालत अब कितने सालों में ठीक होगी, 6 महीने में ठीक होगी, साल भर में ठीक होगी, 2 साल में ठीक होगी, इस तरह का कोई भी आइडिया मैं आपको नहीं बता सकता। उनकी 200 डीएमए वो एकमात्र आइडिया है। यदि आपको बैंकों के शेयर अट्रेक्टिव प्राइस पे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो एक ही विधि है इसकी, जब भी वो उनकी 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर आके बंद हो जाते हैं उस दिन हम उनको लेंगे, उस दिन हम बैंकों के शेयरों में वापस परचेजिंग करेंगे। जब मार्केट रोज नए नए हाई बना रहा था तब मेरे पास ऐसे ईमेल पर डे आते थे, बहुत से कमेंट्स आते थे कि ऐसे शेयर बताओ जो हम 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकें, 5 साल के लिए होल्ड कर सकें, 6 साल के लिए होल्ड कर सकें। लेकिन अब जैसा कि स्वाभाविक है, मैं 2005 से देख रहा हूँ, शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, अब ऐसा एक भी ईमेल नहीं आता जो ये पूछ रहा हो कि हम ऐसे शेयर बताओ जो हम 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकें। अब तो ये इस तरह के ईमेल आते हैं कि भाई मैंने ये शेयर 210 के भाव पे लिया था, अब 196 हो गया, अब क्या करूं, कैसे इनसे बाहर निकलूं। नार इंडस्ट्री का शेयर मैंने खुद रिकमेंड किया था 110-12 के करीब, तब वो 96-95 हो गया है लगभग। तो अब ऐसे ईमेल आते हैं कि आपने कौशिक सर मुझे फंसा दिया, मैंने नार इंडस्ट्री का शेयर ले लिया। तो मेरे खुद के पास भी है, मैं मेरे खुद की रिकमेंडेशन में स्वयं होल्ड करता हूं और ये 10-15 रुपए गिरने पर मैं बिल्कुल भी जो है घबराता नहीं हूं, बिल्कुल भी डरता नहीं हूं। तो मेरी आप सब निवेशकों को भी यही सलाह है कि ये आपका जो लॉस हो रहा है किसी भी शेयर में वो कागजों में हो रहा है, नोशनल लॉस है। जब तक आप उसको बेच के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक वो लॉस वास्तविक लॉस नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा आपको प्लॉट खरीदने का या भूखंड खरीदने का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई अच्छी जगह पे एक प्लॉट एक भूखंड 10 लाख रुपए का लिया और अब मैं आके आपको कहता हूँ कि आपको 8 लाख में बेचना है, क्या तो वो मेरा ऑफर प्राइस है, 8 लाख में मैं खरीदने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लॉट की आपके भूखंड की रेट घट गई है, आपको 2 लाख का नुकसान हो गया है। जब तक आप मुझे 8 लाख में बेचोगे नहीं तब तक आपको 2 लाख का उस प्लॉट पे नुकसान नहीं होगा। और आप उसको यदि होल्ड रखेंगे, मार्केट में प्लॉट्स की डिमांड आएगी, तो आपने जो 10 लाख में प्लॉट लिया है वो हो सकता है आप 14-15 लाख में भी बेचें, 20 लाख में भी बेचें। तो ऐसा मेरे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि जब तक आप शेयर को बेचते नहीं है तब तक उसमें जो लॉस आपको शो हो रहा है वो नोशनल लॉस है, वो काल्पनिक लॉस है। यदि आपने पैसा कहीं से उधार लेके निवेश नहीं किया है, आपका खुद का पैसा है, तो आपको वैसे भी बैंकों में रखना है, बैंकों में डालोगे 6% ब्याज लेंगे आप, बैंकों में भी 6-7% ब्याज है। और ऐसे ऐसे बाजार में अफवाहें फैल रही है कि पता नहीं क्या क्या एक्ट आने वाले हैं बैंकों के अंदर, तो मैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा करके विवाद का विषय नहीं बनना चाहता। तो इसलिए आप यदि शेयर आपके पास होल्ड पड़ा है तो एक न एक दिन उसके बढ़ने के चांस है। तो छोटे निवेशकों से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार की न्यूजों पे नहीं जाएं कि मार्केट गिरने से एक ही दिन में निवेशकों ने गंवाए 15,000 करोड़ रुपए। तो ये तो न्यूज वालों की विशेषता है, सनसनी पैदा करने के लिए ऐसे न्यूज हेडिंग्स बनाए जाते हैं। जब निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया तो कहते हैं निवेशकों ने एक ही दिन में गवाए 15,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार की तो ये न्यूज है सनसनी पैदा करने के लिए बनाई जाती है। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था तब अमेरिका के न्यूज पेपरों में ये छपा था कि 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका चांद पे एक होटल बनाने जा रहा है। तो कहाँ है वो होटल, अभी तक तो बना नहीं। ऐसा होटल यदि बनेगा तब आप मुझे भी बताना, मुझे अवश्य ईमेल करना कि चांद पे अमेरिका ने होटल बना दिया है। तो न्यूजें तो सनसनी पैदा करने के लिए बनाई जाती है, आप इस तरह की न्यूजों पे ध्यान मत दीजिए। जब मार्केट एक दिन में 200-300 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तब कोई न्यूज ये नहीं कहेगी कि आपके 30,000 करोड़ रुपए बन गए हैं आज, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्टिकुलर शेयर पे डिपेंड करता है। मैं लास्ट में जाते जाते एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि लगभग 1.5 साल पहले मैंने मेरे ब्लॉग पे रिनेंसी ज्वेलरी लिमिटेड का शेयर 135-130 के करीब रिकमांड किया था। अभी मुझे सही याद नहीं है मैंने किस भाव पे रिकमांड किया था, लगभग ये 150 के आसपास का ही प्राइस था। मैंने खुद 154 के भाव पे 20 फरवरी 2017 को रिनेंसी ज्वेलरी लिमिटेड का शेयर परचेज किया था, खुद मैंने 154 के प्राइस पे। और अभी मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि 20 फरवरी को, यानी आज 19 फरवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 फरवरी 2018 को इसके 1 साल पूरे हो जाएंगे और मुझे तो रिनेंसी ज्वेलरी का 388 रुपए के करीब मार्केट प्राइस मिल रहा है, चाहे मार्केट कितना भी गिरा हुआ अभी हम क्यों न कह दें। तो मैंने तो इसमें 15,000 करोड़ रुपए नहीं गवाए, मेरा पैसा तो रिनेंसी ज्वेलरी लिमिटेड में दुगने से भी ज्यादा होने जा रहा है। तो इस प्रकार से ये रिनेंसी ज्वेलरी वही शेयर है जिसमें मुझे मेरे ब्लॉग के अंदर
खूब सी गालियां सुनने को पड़ी थी, खूब गालियां मिली थी मुझे। उसमें ये कहा गया था कि भाइयों महेश कौशिक तो अपनी किताबें बेच करके रॉयल्टी कमा के भाग गया है और ये एनएनसी ज्वेलरी लिमिटेड का शेयर हमारे को पकड़ा गया है, ये कभी बढ़ने वाला नहीं है और अब महेश कौशिक की रिकमेंडेशन फैल जाने लगी है। तो ये ऐसे कौन कहते हैं, ऐसे वो निवेशक कहते हैं जो थोड़े समय के लिए शेयर खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खरीदते हैं। मैंने तो साल भर से अधिक अवधि के लिए लिया था 154 पे, तो उसके बाद वो चाहे कितना भी गिरा हो मुझे तो उससे कोई हेडेक हुई नहीं और साल भर के बाद ही मैं अब बेचने का विचार करूंगा। वो भी पक्का नहीं है कि मैं उसको बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, 20 फरवरी के बाद मैं विचार करूंगा कि क्या मुझे अपना दुगने से ऊपर प्रॉफिट कमा के निकल जाना चाहिए या अभी इसके अंदर और बने रहना चाहिए। तो इसलिए छोटे निवेशकों से मेरा आग्रह है कि आप न्यूज हेडिंग्स पे नहीं घबराएं। आज के वीडियो का सार यही है, पहला सार तो आज की वीडियो का ये है कि क्या मार्केट और टूटेगा या और ऊपर बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि रस्सा कसी का खेल होता है, आधे लोग उधर रस्सा पकड़ते हैं आधे इधर पकड़ते हैं, तो जो लोग भारी पड़ते हैं उस तरफ वो रस्सा जाता है। तो मार्केट में ऐसे ही चलता है, बुल्स एंड बियर्स का मामला चलता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इतनी जल्दी ऊपर बढ़ने वाला नहीं है, एक बार जब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है तो इतना जल्दी वो जाके ऊपर वापस ऊपर नहीं बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है। ये अनुमान विपरीत भी जा सकता है, लेकिन मेरा अनुमान यदि सही गया और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि शेयर जीनियस रेशो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशन 0.96 से कम हो गया, तो मैं मेरी ऐप के जरिए और मेरे ब्लॉग के जरिए आपको सूचना भी दूंगा। मैं खुद भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में उस समय मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उसका निवेश भी करूंगा और आपको भी सूचना दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में पार्ट निवेश इसके अंदर कर लीजिए यदि लॉन्ग टर्म के लिए रियल में करना चाहते हैं। तो पहला सार तो ये है कि मार्केट मेरे अनुमान में तो अभी थोड़ा और गिरना चाहिए, अभी थोड़ी गिरावट और बाकी है, पर इसका उल्टा भी हो सकता है। आज के वीडियो का दूसरा सार यह है कि क्या इस समय हमें शेयर ले लेने चाहिए। तो उसके लिए आपके वही एक ही मेरा फार्मूला है कि यदि आपका शेयर 200 डीएमए से नीचे जाके वापस ऊपर आया है, देखिए ये भी एक शर्त है कि 200 डीएमए से नीचे गया है और नीचे जाके यदि वापस ऊपर आया है तो उसके अंदर अब ट्रेंड शुरू हो गया है और आप चाहो तो इस प्रकार का शेयर तो ले सकते हो बिना इंडेक्स के, निफ्टी और सेंसेक्स के किसी भी स्तर को देखे बिना आप उस प्रकार का शेयर यदि लेना चाहो। ये हालांकि उसके बाकी फंडामेंटल भी आपको चेक करने हैं जो मेरे वीडियोस में मैं पहले आपको बताता रहा हूँ, मेरी किताबों में मैं बताता रहा हूँ, उसमें यदि सारे फंडामेंटल वो पूर्ण करता है, अच्छा शेयर है और 200 डीएमए से नीचे जाके ऊपर बंद हो गया है तब आप उसको ले सकते हैं मेरे अनुसार। तो यदि लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो कोई इसके अंदर बुराई नहीं है। दूसरा इस वीडियो का सार ये है और तीसरा इस वीडियो के अंदर सार ये है, यदि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर है और जो टूटने से आप डरते नहीं है, घबराते नहीं है, तब तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका लॉस नॉमिनल लॉस है। और यदि आपको फिर भी डर लगता है तो आप यदि आपका शेयर 200 डीएमए से 5% से ज्यादा नीचे जाके बंद हो जाता है, तो जैसा कि मैंने मेरी किताबों में रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम बताया है, जैसा कि मैं मेरे हिंदी वाले ब्लॉग पर रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम बताता हूँ, वैसे आप एक बार रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद जब भी वो उसकी 200 डीएमए से ऊपर बंद हो जाए, भले ही वो 5-7 रुपए ऊपर जाके ही बंद हो, आपने जिस भाव पे बेचा उससे चाहे आपको 5-7 रुपए ऊपर ही खरीदना पड़े, वो एक प्रकार का बीमा है, एक प्रकार का इंश्योरेंस प्रीमियम है कि आपको आगे और गिरावट का डर नहीं लगेगा, आप एक बार कैश के ऊपर रहेंगे। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में शेयर गिर गए हैं, आपके खरीदी प्राइस से नीचे आ गए हैं, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत से शेयर मिल जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन आपको यदि डर लग रहा हो तो आप एक बार रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम करके बाहर निकल सकते हैं। जब भी वो उसकी 200 डीएमए से ऊपर जाके बंद हो जाए तो आप उनको वापस परचेज कर लेना। और अभी कुछ निवेशक, ये बार एक ऐसा ईमेल भी आता है वो भी बता दूं मैं जाते जाते, कि कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडेज लिमिटेड का क्या होगा, क्योंकि इन्होंने अपने रिजल्ट्स जो अभी पेश किए हैं फिर से कंपनी ने अपने आप को लॉस में दिखाया है। तो इसमें वही सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें लालच में नहीं आना है, जैसा कि मेरी चंदू चिंकी वाली किताब में बताया था, 200 डीएमए से जैसे जैसे ऊपर बंद होगा, 5% ऊपर बंद होगा तब हम इसका एक लॉट लेंगे, 10% ऊपर बंद होगा तब हम एक लॉट लेंगे, 15% ऊपर बंद होगा तब हम इसका एक लॉट लेंगे, और ऐसे ही गिरते समय 200 डीएमए से 5% नीचे बंद होता है तो हमने जो हमारा सबसे पुराना लॉट होता है उसको हम बेचेंगे, 10% नीचे बंद होगा तो उससे भी पिछला लॉट यदि पुराना कोई पड़ा है तो हम वो बेचेंगे। वो सारा मैंने उस मेरी चंदू चिंकी वाली किताब जो थी उसके अंदर ये सिस्टम मैंने आपको बता रखा था, उस सिस्टम के अनुसार इसमें करना था। तो कंट्री क्लब एंड हॉस्पिटैलिटीज एंड हॉलीडेज लिमिटेड, उसकी 200 डीएमए से नीचे तो एक बार बंद हो गया है लेकिन अभी 5% से ज्यादा नीचे बंद नहीं हुआ है, तो यदि 5% से ज्यादा नीचे बंद होता है तो मैं एक एक लॉट करके बेचना भी शुरू कर सकता हूँ, इसके अंदर बेचना शुरू कर दूंगा क्योंकि मैं उसी सिस्टम से चलता हूँ जो सिस्टम मैंने इसके अंदर आपको बता रखा है। तो इसमें भी मुझे ज्यादा चिंता नहीं है
और ये सिस्टम इसलिए बनाना पड़ता है कि ये बड़ी होल्डिंग हम किसी शेयर में यदि लालच में आके करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये सिस्टम बनाना पड़ता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सभी वर्तमान शंकाओं का समाधान हो गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने का। हालांकि मुझे समय कम मिलता है, मैं कम ईमेल और कमेंट्स का जवाब दे पाता हूँ, फिर भी मैंने आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। आगे भी मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करता रहूंगा। नमस्कार।